जीवन में आप अगर सच में कुछ अलग चाहते हो तो फिर आपको ये जानना होगा कि आप कहाँ हो, और उसके बाद आपको जानना होगा कि आपके लक्ष्य में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना होगा कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, मैं अपने डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचूंगा। अगर मुझे बहुत दूर तक जाना पड़े तो फिर मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। आपको अगर नए रास्ते ढूंढना पड़े तो फिर आपको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चाहे जितनी भी समस्याएं आए, सारे समस्या का समाधान आपको ढूंढना होगा, और आपको मैदान छोड़कर दूर नहीं भागना होगा। आप अगर खुद पर विश्वास रखते हो और सोचते हो कि आप वाकई में वहां पहुंच सकते हो जहां पर आप जाना चाहते हो, तो फिर आप वहां पर जरूर पहुंचोगे। मोहम्मद अली ने कहा था, एक इंसान जिसके पास कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, उसके पास उड़ने के लिए कोई भी पंख नहीं है। अगर आप जो चाहते हो उसे देख नहीं पाओगे तो फिर आप कभी भी वो बन नहीं पाओगे। आप अगर एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात है। अपने पैरों को बस जमीन पर ही टिका कर रखो। लेकिन अगर आप कुछ क्रेजी कर गुजरना चाहते हो तो फिर आपको उसे बस सोचना नहीं है बल्कि उसे महसूस करना है। आप ये महसूस कीजिए आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए। ये महसूस कीजिए कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास सब है, और आप ये भी महसूस कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हो। जब आप अपने अंदर इस प्रोसेस को महसूस करने लगोगी तो फिर वो ही आपके जीवन में धीरे धीरे आने लगेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आपकी कल्पना ही सब कुछ है, ये आपकी जीवन की आने वाली अट्रैक्शन की ही प्रीव्यू है। बस सिर्फ वो जो विश्वास करती है कि सब कुछ पॉसिबल है, वो उन सारी चीजों को भी हासिल कर लेती है जो इम्पॉसिबल माने जाती है। आप ये जानते हो कि आप कौन बनने जा रहे हो, आपके सामने एक पिक्चर जरूर होना होगा जो आप अचीव करना चाहते हो, और उसे महसूस करना होगा कि आपके पास वो है, वो भी उसे वास्तव में पाने से पहले। नेपोलियन हिल्स ने कहा था, एक बार जो आपके मन कंसीव और बिलीव कर लेता है वो उसे हासिल भी कर लेता है। उन्होंने कहा था, आप अपने भाग्य के विधाता हो और आपके आत्मा के कैप्टन हो। आप आपके अवस्था को खुद कंट्रोल कर सकते हो। आप आपके जीवन को बिल्कुल वैसा बना सकते हो जो आप चाहते हो, और ये कोई मैजिक नहीं है और ये कोई फिलोसॉफी भी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग इस बारे में जरूर जानते हो, और अगर नहीं जानते तो फिर उसे अटेंशन दो, क्योंकि जो भी दुनिया में महान बने हैं वो इस बारे में जरूर जानते हैं। असल में दुनिया में इंसान जो कुछ भी करते हैं वो दो बार करते हैं। पहले वो इंसान के मन में तैयार होता है, और बाद में वो वास्तव में होता है। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागेंगे या फिर उससे दूर भागेंगे, वो तो आप ही जानते हैं।